स्किल की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं। मेरा सीधा परिचय तो नहीं था लेकिन हमारे एक जानने वाले सज्जन बताते रहते थे। वो उनके किसी परिचित के विषय में बताते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिए, यानी खुद को रिस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे। लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन है तो इनविटेशन कार्ड पर नाम वगैरह लिखने का काम आप कीजिए। बाद में उन्होंने खुद को रीस्किल किया, अपस्किल किया, उन्होंने कई और लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक प्रकार से वो उनका कारोबार बन गया। बैठे बिठाए लोग उनके पास एक काम लेकर के आने लगे। शौक से पनपा हुआ एक हुनर रोजी रोटी का और सम्मान का भी एक माध्यम बन गया। फ्रेंड्स, स्किल इज समथिंग विच वी गिव टू आवर सेल्व्स विच ग्रोज विथ एक्सपीरियंस। स्किल इज टाइमलेस, इट कीप्स गेटिंग बेटर विथ द टाइम। स्किल इज यूनिक, इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्किल इज अ ट्रेजर दैट नोबडी कैन टेक अवे एंड स्किल इज सेल्फ रिलायंस। इट इज नॉट ओनली मेक वन एम्प्लॉयबल बट ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयबल। स्किल की यह ताकत जो है इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। साथियों, एक सफल व्यक्ति की यह बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी स्किल बढ़ाने का कोई भी मौका जाने न दे, इतना ही नहीं मौका ढूंढता रहे। स्किल के प्रति अगर आप में आकर्षण नहीं है, कुछ नया सीखने की ललक नहीं है तो जीवन ठहर जाता है, एक रुकावट से महसूस होती है।